गाइस, उम्मीद है सब खैरियत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी फ़ायदेमंद ड्रिंक लेकर आई हूँ। उस ड्रिंक से आपका जो वेट है वो भी लूज़ होना शुरू हो जाएगा, और अगर आपको कोई खांसी नज़ला है और वो बहुत पुराना है, आपने दवाइयाँ भी ली हैं लेकिन वो नहीं जा रहा है, तो आप ये ट्राई ज़रूर करिएगा। ड्रिंक 2 से 3 दिन में आपको बेहतरी फील होना शुरू हो जाएगी। फिर अगर आप 1 हफ्ते तक इस ड्रिंक को पीते हैं तो आपकी खांसी बिल्कुल सही हो जाएगी। और 15 दिन अगर आप सोते वक्त और सुबह सुबह ध्यान मुंह अगर आप पीते हैं ड्रिंक, तो आपका 15 दिन में वेट लूज होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका 80 किलो है तो आपका 20 किलो वज़न जो है कम हो जाएगा, यानी कि आपका वज़न 80 किलो है तो आप ये 15 दिन तक ड्रिंक पिए तो आपका उसके बाद 60 किलो वज़न रह जाएगा, और ये बिल्कुल गारंटी के साथ है। और खांसी तो इससे बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह से सही हो जाएगी, क्योंकि ये ट्राई करा हुआ है मेरी मम्मा ने। उनकी खांसी भी नहीं जा रही थी, लेकिन उन्होंने जब ये ट्राई करी ड्रिंक तो उनकी खांसी जो है अब तो ख़त्म ही हो गई है बिल्कुल। उन्होंने 1 हफ्ता पिया है तो उनकी खांसी बिल्कुल सही हो गई है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब हम चलते हैं क्या क्या चाहिए हमें इस ड्रिंक को बनाने के लिए। तो 2 टीस्पून हमारे पास सौंफ है, 2 टीस्पून हमारे पास अजवाइन है, 2 टीस्पून ज़ीरा है, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर में मौजूद होती हैं। और ये हमारे पास अदरक है, ये 2 इंच का टुकड़ा है, और ये कच्ची अदरक है, और ये हमारे पास हल्दी है, और इसको हमने काटना है अभी बहुत बारीक, और ये कच्ची हल्दी है, और हमारे पास 1 नींबू है, और ये पूरा जाएगा, और हमारे पास 1 टेबल स्पून जो है शहद है, और हमारे पास पानी है। ये हमने इस ग्लास से मेजर किया है, तो ये जो ग्लास है पानी जो है हमने 2 ग्लास लिया है, और थोड़ा सा ज़्यादा है उससे हमने 2 ग्लास पानी डाल दिया, उसके बाद हमने 3 टेबल स्पून पानी अलग से डाला है। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी ये ड्रिंक। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो अब कटिंग बोर्ड का कलर ख़राब ना हो, तो आप इसके ऊपर ये बटर पेपर लगा सकते हैं। अब हम कटिंग शुरू करते हैं, हमें दोनों चीज़ें हाफ चाहिए, तो अब हम कटिंग करना शुरू करते हैं। तो गाइस, हमने हल्दी और जो हमारे पास अदरक थी हमने उसको छील लिया है। आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। तो अब हम काटेंगे इसको, और हमें हल्दी जो है वो 1 पीस चाहिए इसका, तो हम 1 पीस काट देंगे, और अब हम इसको काटेंगे। गाइस, आप इस तरह से बारीक बारीक हल्दी को काट भी सकते हैं, और मैं आपको ग्रेट करके भी दिखा दूँगी थोड़ी सी हल्दी। गाइस, मैं अब आपको ग्रेट करके दिखाती हूँ। इस साइड से हम करेंगे ग्रेट। गाइस, इस तरह से हम आप ग्रेट भी कर सकते हैं। तो हमने ज़्यादा काटी है, तो हमने ग्रेट जो है कम करी है। गाइस, हम जल्दी से जो हमारी अदरक है उसको भी हम ग्रेट कर लेते हैं, काटने की ज़रूरत ही नहीं है, जल्दी से हमारा ग्रेट हो जाएगी अदरक। इस तरह से हम सारे जो अदरक है ग्रेट कर लेंगे। गाइस, हमने अदरक काट कद्दूकस कर लिया है, ग्रेट कर लिया है, और हमने हल्दी को काटा भी है और कद्दूकस भी करा है। तो अब हम नींबू को स्लाइसेस में काट लेंगे। गोल गोल काट लेंगे हम नींबू को। गाइस, हमने नींबू को भी काट लिया है, अब हम इसको हटा के रख देंगे कुछ दूसरी प्लेट में, अलग अलग रखेंगे तीन चीज़ों को। और ये बस यही काम था मुश्किल, बस कटिंग करनी थी। अब हमारे सारा काम हो चुका है, अब हम पानी को बॉईल करने की तरफ चलते हैं। गाइस, अब हम पानी को बॉईल कर लेंगे, बिल्कुल अभी खुश्क हुआ है। अब हम इसके अंदर 2 ग्लास पानी डालेंगे, डाल देंगे हम पानी सारा।
एक गिलास। अब एक गिलास हम और डालेंगे। इसको हम और थोड़ा सा हम और डाल देंगे, जैसे मैंने आपको बताया था 3 टेबलस्पून, हम 3 टेबलस्पून भी डाल देंगे पानी। गाइस बस 2 से 3 मिनट तक हम वेट करेंगे ताकि जो पानी है वो बॉयल हो जाए, पानी में बॉयल आ जाए। गाइस हमारा पानी बॉयल हो चुका है। तो गाइस अब हम पानी के अंदर ऐड करेंगे अजवाइन और अब हम जीरा ऐड करेंगे। जीरे से हमारा वेट भी लूज़ होता है और जो हमारी खांसी होती है वो भी ठीक हो जाती है बहुत जल्दी। गाइस अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सौंफ और 2 हमारे पास पीस हैं दाल चीनी की, ये मैं आपको बताना भूल गई थी। अब हम इसको भी ऐड कर देंगे। गाइस अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये हमारे पास जो नींबू हल्दी और अदरक था वो भी हम डाल देंगे। और अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, 2 से 3 मिनट तक हम लोग इसको पकाएंगे। गाइस अगर आपकी सुबह सुबह ये बनाने की जो ड्रिंक बना रहे हैं हम अब बनाने की हिम्मत नहीं होती तो आप क्या करें, सारी चीज़ों को एक गिलास में डाल दें और एक गिलास बना रहे हैं तो आप आधी आधी सारी क्वांटिटी कर दें जितनी मैंने बताई है। अगर 2 टेबलस्पून है तो 1 टेबलस्पून कर दें सारी चीज़ें और उसको गिलास में डाल के पानी के साथ उसको आप ढककर छोड़ दें ओवरनाइट के लिए। उसके बाद सुबह सुबह आप 1-2 बाल जो होते हैं देख कर आप उसको पी लें, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और वरना बेस्ट तो ये है कि आप जब बनाए उसी वक्त पी लें। तो देखें पानी का जो प्रेशर है वो भी तेज होने लग गया है, यानी कि पानी उबल रहा है। अब 1 से 2 मिनट तक हम लोग और पकाएंगे इसको। तो गाइस हमें टोटल जो है 3 मिनट तक उसको पकाना है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और अब हम उसको 1 कप में निकाल लेंगे, उसको हम छान के निकालेंगे। गाइस अब हम 1 कप में निकाल लेंगे ड्रिंक को और उसको छान लेंगे हम। और वैसे हमने 2 कप बनाई थी तो आप 1 बड़ा कप या 1 गिलास भी पी सकते हैं ये ड्रिंक। खाना खाने के बाद क्या आप ड्रिंक पी सकते हैं, और खाना खाने के बाद आप ये ड्रिंक पी कर थोड़ा वॉक करके उसके बाद सो जाएं और सुबह सुबह उठ के ये पी रहे हैं। और जो हमने बचाई है ड्रिंक वो हमने सुबह के लिए ही बचाई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शहद। गाइस हमने एक और इंग्रेडिएंट लिया था शहद, वो ऑप्शनल है बिल्कुल। अगर आपको ज़्यादा ड्रिंक अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है तो आप ये शहद जो है डाल सकते हैं, वरना ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ऐसे भी पी सकते हैं ड्रिंक। ड्रिंक तो रेडी हो गई है, अब हम उसके ऊपर से हम शहद डाल देंगे। 1 टीस्पून डाल देंगे हम और हम इसको हल्के से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस जो भी हमने इंग्रेडिएंट डाला है, उसको जायका बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको अगर कड़वा लगता है जायका तो आप नींबू डाल सकते हैं, वरना नींबू बिल्कुल ऑप्शनल है। और तो गाइस हमारी ड्रिंक बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जिससे आपका नज़ला ज़ुकाम सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपका वेट जो है वो भी लूज़ होना शुरू हो जाएगा। तो आप इसको अगर 1 हफ्ता यूज़ करते हैं तो आपकी नज़ला ज़ुकाम है वो बिल्कुल सही हो जाएगा 1 हफ्ते में। अगर आप 2 से 3 हफ्ते अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपका वेट जो है लूज़ होना शुरू हो जाएगा, और अगर आप 2 महीने तक यूज़ करते हैं ये ड्रिंक तो आप तो हो गए कमज़ोर। तो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और इसको ज़रूर रोज़ाना पिएगा। अगर आप ये ट्राई करते हैं तो आप ये ज़रूर रोज़ाना पिएगा। और अगर कुछ पूछना होता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।